गिरगिट की तरह रंग बदल रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग का धंधा करने वाली कंपनी स्पीक एशिया। मुंबई में कंपनी के वकील का दावा है कि ऑनलाइन सर्वे तो उसका पार्ट टाइम धंधा है, असली धंधा तो मैगजीन बेचने का है। उधर नागपुर में कंपनी के एक दफ्तर पर ताला लग गया, वहां काम करने वाले लोग फर्नीचर तक ले भागे। स्पीक एशिया का धंधा क्या है? अगर कोई इस कंपनी का नाम जानता है तो उसे पता है कि ये ऑनलाइन सर्वे के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग का धंधा करती है। लेकिन जब देश भर में सवाल उठे तो कंपनी ने अपना धंधा ही बदल दिया। अब कंपनी कहती है कि वो तो मैगजीन बेचती है। इन सोरे में बोल कर से अवर मेन प्रोडक्ट इज अ मैगजीन। दीज आर द साइड बेनिफिट्स फॉर एवरीवन। टिल द टाइम द कंपनी इज गेटिंग द साइड बेनिफिट्स, कंपनी विल कंटिन्यू विद इट। सवाल ये है कि क्या स्पीक एशिया से जुड़ने वाले लोगों से शुरुआती 11,000 रुपए किस बात के लिए लिए जाते हैं? फिर उन्हें रकम वापसी का वादा भी किया जाता है, लेकिन क्या ये सब कुछ जुबानी जमा खर्च है? क्योंकि कंपनी तो कहती है कि रुपए वापसी का तो कोई सवाल नहीं। आपने पत्रिका के लिए पैसा दिया है, इसलिए वो पैसा वापस देने का सवाल नहीं आता। इस बीच नागपुर के रविनगर में स्पीक एशिया के दफ्तर पर ताला लग गया। यहाँ जो काम करते थे उन्होंने तो दफ्तर में फर्नीचर तक नहीं छोड़ा। सवाल ये भी है कि रातों रात भागने का क्या कारण है? इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन भी किया। दरअसल आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन करके कंपनी के तमाम दावों की पोल खुली थी। कंपनी का असली दफ्तर भी सिंगापुर नहीं बल्कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पता लगा है। हरिंदर कौर तो महज डायरेक्टर है, असल मालिक तो कोई और है। मुंबई में वीरेंद्र गुनावत के साथ मनीष अवस्थी, नागपुर आज तक।